Ball number three on the money, but it's out of the ground, is it? Is it out of the ground? It is! It is! Eyes through the covers, it's into the fence like a tracer bullet. प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि दुनिया के चंद नामवर क्रिकेट कमेंटेटर कमेंट्री से कितनी कमाई करते हैं। दुनियाई क्रिकेट के मायानाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम ESPN, स्टार स्पोर्ट्स और चैनल 4 के लिए कमेंट्री के फराइज सर अंजाम देते हैं। अपनी जानदार आवाज़ की बदौलत वसीम अकरम पर सीरीज 35,000 जबकि सालाना $600,000 के करीब मुआवजा वसूल करते हैं। नामवर भारतीय खिलाड़ी सुनील गवास्कर जो अब कमेंट्री के शोभा से वाबस्ता हैं, उन्होंने ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, BBC और BCCI के साथ मुआहदे कर रखे। दुनियाई क्रिकेट के बेहतरीन कमेंटेटर्स में शुमार होने वाले सुनील गवास्कर अपनी खिदमात के एवज पर सीरीज 50,000 जबकि सालाना $1,000,000 हासिल करते हैं। कॉमेंट्री में अपनी एक अलग शनाख्त बनाने वाले रमीज राजा फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन डैन स्पोर्ट्स और BBC के लिए अपनी खिदमात। बीइंग अ PCB चेयरमैन रमीज राजा अब कमेंट्री की जिम्मेदारियां नहीं संभालते, इसलिए पहले इन्हें काबिले जिक्र मुआवजा अदा किया जाता था। दुनियाए क्रिकेट का एक मोतबर नाम सर जेफरी बॉयकॉट जो काफ़ी अरसे से कमेंट्री के शोबे से वाबस्ता हैं, आप स्काई स्पोर्ट्स और BBC के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। ये चैनल सर जेफरी बॉयकॉट को भारी मुआवजा अदा करते हैं। मायानाज ऑस्ट्रेलवी बॉलर माइक हेसमैन जो सुपर स्पोर्ट्स और टेन स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री बॉक्स संभालते हैं, ये चैनल्स माइक हेसमैन को पर सीरीज 45,000 जबकि सालाना $700,000 की खतीर रकम अदा करती है। साबिक भारतीय बल्लेबाज संजय मुंजरेकर कमेंट्री की दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, वो ESPN, स्टार स्पोर्ट्स और टेन स्पोर्ट्स से वाबस्ता है। स्पोर्ट्स चैनल्स ने इस मशहूर खिलाड़ी की खिदमात पर सीरीज 55,810 जबकि सालाना $1,000,000 अदा करके हासिल की है। शोहरत याफ्ता भारतीय बल्लेबाज सौरभ गंगोली ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, BBC, ABC ऑस्ट्रेलिया और फॉक्स स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री बॉक्स संभालते हैं। सौरभ गंगोली अपने अल्फाज का जादू जगाकर पर सीरीज 50,000 जबकि सालाना $1,000,000 के करीब मुआवजा हासिल करते हैं। साबिका मारूफ भारतीय क्रिकेट कैप्टन रवि शास्त्री ने ESPN, स्टार स्पोर्ट्स और BCCI के साथ कमेंट्री के मुआहदे कर रखे हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट कमेंट्री रवि शास्त्री इज अ बिग नेम एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कमेंटेटर्स एज वेल। जारहाना बॉलिंग के लिए मशहूर साबिक वेस्ट इंडियन बॉलर माइकल होल्डिंग जो काफी अरसे से कॉमेंट्री के शोबे से मुंसलिक हैं, आप स्काई स्पोर्ट्स और चैनल 9 के लिए कमेंट्री के फराइज सर अंजाम देते हैं। चैनल इन्हें पर सीरीज 30,000 जबकि सालाना $600,000 के करीब मुआवजा अदा करता है। फॉर्मर इंग्लैंड स्किपर नासिर हुसैन काफ़ी अरसे से स्काई स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता हैं, आप स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री के फराइज सर अंजाम देते हैं। स्काई स्पोर्ट्स नासिर हुसैन को पर सीरीज $60,000 जबकि सालाना $900,000 के करीब मुआवजा अदा करता है। वेरी फनी एंड विटी डैने मॉरिसन जिनकी खिदमात दुनिया के बड़े ब्रॉडकास्टर्स स्काई स्पोर्ट्स और फॉक्स क्रिकेट ने हासिल कर रखी हैं, डैने मॉरिसन को पर सीरीज 30,000 जबकि सालाना $560,000 के करीब अदायगी की जाती है। फास्ट बॉलिंग की दुनिया का एक रोशन सितारा वकार यूनस जो काफ़ी अरसे से टेन स्पोर्ट्स की जानब से कमेंट्री के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, वकार यूनस को इनकी सर्विसेज की बिना पर सीरीज 45,000 जबकि सालाना $700,000 अदा किए जाते हैं। गो के शेन वॉन अब हम में नहीं रहे, लेकिन दुनिया क्रिकेट में इनको हमेशा एक बेहतरीन स्पिनर के तौर पर याद रखा जाएगा। दुनिया के बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने शेन वॉन के साथ मुआहदे कर रखे थे, इन मुआहदों की बिना पर शेन वॉन को पर सीरीज 50,000 जबकि सालाना $1,000,000 अदा किए जाते थे। पाकिस्तान के साबिक मायानाज ओपनिंग बैट्समैन आमिर सुहेल पर सीरीज 45,000 जबकि सालाना $700,000 के करीब कमा लेते हैं, इन्होंने दुबई के चैनल टेन स्पोर्ट्स के साथ मुआहदा कर रखा है।